हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं राम मंत्रोज का वेलकम करता हूँ अपने चैनल ड्रीम पर। मैं क्रिएटर ऑपरेटर और नेटवर्क का वेस्टिज कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। वेस्टिज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग जिसे कहते हैं। अभी उसकी जानकारी, ऑपरेशन मैनुअल, मेंटेनेंस जो भी थोड़ा मिलेगा ऑपरेटरों की तरफ से जानकारी दिया जाएगा आपको। लग रहा होगा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा चैनल। चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे टेरेक्स मोबाइल क्रेन के बारे में। इसका मॉडल है कॉडस्टर 1075L। लेटेस्ट डिजाइन इसमें दिया गया है, क्योंकि डीजल मॉडलों का डिज़ाइन था वो तो हट के था। ये डीजल टैंक आप देख रहे हैं, 2015 मॉडल है, 2015। सेफ्टी फायर एक्सटिंग्यूशर दिया हुआ है इसमें। सेफ्टी फायर जब आगे लगता है टैंक। चलते हैं इधर काउंटर वेट के तरफ। ये मशीन का नंबर वगैरह है, सेफ कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का लोगो था। साइड का जैक दोनों साइड का। हाइड्रोलिक टैंक हो गया, इसका गेज रेडियल टायर है, 23x25 का है इसका भी टायर है इसका, 23x25 हम लोग बोलते हैं। रेडियल ये स्विंग का एरिया देख लेते हैं नीचे से अंदर से।
कवर लगा हुआ है तो पूरा क्लियर दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी स्विंग मोटर के अगल बगल से पाइप वगैरह कंट्रोल वगैरह कवर किया हुआ है अच्छे से। ये हाइड्रोलिक टैंक इसका टेम्परेचर देखने के लिए दिया गया है। अंदर ऊपर से स्विंग का एरिया है, अंदर से छत के ऊपर से दी जैक इसका 75 टन कैपेसिटी 75 टन का बूम लेंथ का कैपेसिटी 112 फीट है 34 मीटर। इसका मैक्सिमम टिप हाइट है 185 फीट मैंने 56.5 मीटर। इसके फंक्शन केबिन के अंदर चल के समझते हैं। टेरेक्स कंडस्टर 1075 देखते हैं फंक्शन इनसाइड केबिन। ये हमारे दिनेश भाई वाराणसी इंडिया यूपी से। ऑपरेटर साहब थोड़ा आएंगे नहीं बता दीजिए। अच्छा बस फंक्शन उतना तो डिटेल नहीं हो पाएगा। अच्छा। क्योंकि काम का टाइम है तो आपको भी काम करना है। इधर ये दोनों जग का है आउटसाइड राइट साइड। ये अंदर का बीम का है, ये दोनों बीम का है, ये पार्किंग है, ये अपना कछुआ और खरगोश का है जैसा चलना है उसी हिसाब। हाँ उसी हिसाब से। और एक्सीलेटर का है ठीक, इमरजेंसी का है, इधर अपना लाइट का है ठीक, ये अपना टायर कटिंग का है ठीक, ये फ्यूल ऑयल का है, ये वाटर टेम्परेचर का है, ये बैटरी का है, ये ट्रांसमिशन ऑयल का है ठीक, ये प्रेशर ट्रांसमिशन प्रेशर का है, एयर प्रेशर का है ठीक। इसके बाद इसका कंप्यूटर है ये ठीक। इसमें क्या देखते हैं इसके अंदर कंप्यूटर में देखिए, ये इतना 26 मीटर अपना ये बूम निकला हुआ है इस समय ठीक है, और इसका डिग्री है 55 मीटर 55.3 मीटर। अच्छा अच्छा। और इसका रेडियस बन रहा है 13.9 मीटर ठीक, और फुल आउटरिगर पे काम कर रहा है। इसकी कैपेसिटी 7.8 टन है और फाइव पोल पे है
1.2 टन इसकी इस समय कैपेसिटी यहाँ पे लोड है इसका, जो लोड कंडीशन है वो बताता है और कितना बूम निकाले हुए, हाँ, किस एंगल में है, किस डिग्री में है, हाँ, वो सारा चीज आपको कंप्यूटर पे, पूरा कंप्यूटर पे स्क्रीन पे आपको शो करेगा इसके बारे में। अच्छा, हमारा जो मान लीजिए इसका, मान लीजिए इसका 50 टन इसका कैपेसिटी है ना, 50 टन का, तो वो पहले वार्निंग करने लगेगा। हाँ, 50 टन पहुँचेगा तो हाँ हाँ ध्यान यही देना है, ओवरलोड नहीं होना, ओवरलोड नहीं होना चाहिए ज़्यादा। जैसे मान लीजिए मार्च कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं, तो उस समय पूरा बूम पहले क्लोज करिए। बूम क्लोज करने के बाद इसके बाद आप अपना आउटरिगर पहले का जग उठाइए, इसके बाद आउटरिगर इन करिए, फिर इसके बाद अपना स्विंग लॉक ये है, स्विंग लॉक करिए, स्विंग लॉक करने के बाद फिर पार्किंग छोड़ाइए, फिर इसके बाद लेके जहाँ जाना है लॉक हो जाएगा। स्विंग माने ये स्विंग लॉक है, इधर कर दिए स्विंग लॉक हो गया, आप स्विंग नहीं घूमेंगे। हाँ, ये इधर सुन अनफ्री हो गया, ये इधर लॉक हो गया, इधर फ्री हो गया, ये हैंड ब्रेक है, इससे दाब के इसके करेंगे हैंड ब्रेक लग जाएगा, इसको खोल देंगे हैंड ब्रेक खुल जाएगा। तो ये लीवर का थोड़ा अगर बता देते हैं। हाँ, ये लीवर है, ठीक है, इससे करेंगे छोटा हुक डाउन होगा, इससे छोटा हुक अप होगा, ठीक, इधर करेंगे तो ये स्विंग होगा राइट साइड, इधर करेंगे तो लेफ्ट साइड, खाली इशारा कर दीजिए, ये लेफ्ट साइड होगा स्विंग के लिए, ये स्विंग के लिए, इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, इधर बूम छोटा हुक डाउन होगा, इधर अप होगा, छोटा वाला जो हुक ये बड़ा वाला है, इधर करेंगे बड़ा डाउन होगा, बड़ा अप होगा, इसके बाद इधर करेंगे तो बूम अप होगा, इस साइड में बूम डाउन होगा। गियर वगैरह, गियर नहीं, ये क्या है, ये बूम इससे निकालने का है, ये जो है इससे आगे पैर करेंगे तो बूम बाहर निकलेगा, अंदर करेंगे तो बूम इन होगा, ठीक, ये ब्रेक है, ठीक, ये एक्सीलेटर है, ये वाला ये हैंड ब्रेक का है। गियर गियर नहीं, ये है, ये वाला है, इसको आगे करेंगे ये गियर लग जाएगा, इसको चेंज करेंगे 1 2 3 तक गियर है, इसके बाद इधर पीछे करेंगे दबाएंगे तो रिवर्स फॉरवर्ड चलेगा, हाँ फॉरवर्ड कर चलेगा, अब पीछे पीछे करेंगे तो रिवर्स करेंगे, बाकी नंबर देने के लिए हाँ नंबर, हाँ थ्री तक है, थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे उंगली, हाँ हाँ इधर हो गया तो इधर 1 2 3 हो गया नीचे, इधर हो गया तो 3 2 जैसे ए हो गया, ए 2 हो गया, ए 3 हो गया, ए 1 2 हो गया, ए 1 अपने ऐसे गियर शिफ्ट हो गया, गियर शिफ्ट होगा। आप फॉरवर्ड के लिए ये है, फॉरवर्ड के लिए ऊपर, हाँ ये दिया है ना, ये दिया है, ये दिया है फॉरवर्ड, ये न्यूट्रल, ये रिवर्स दिया है, ऊपर पुश कर देंगे, हाँ इधर कर देंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा, बीच में करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, नीचे करेंगे तो एसी का है, हाँ ये एसी का है, इधर इस तरह चालू कर दोगे ये फैन हो गया, इधर चालू कर दोगे एसी हो गया, ठीक, ये टेम्परेचर बताता है, हाँ 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 ये वाला टेम्परेचर हीटर के लिए, हीटर के लिए, चलिए सही है, चलिए इतना। ये वीडियो है टेरेक्स मोबाइल क्रेन 75 टन से, तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, देखने के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।